मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देता हूं, नेपाल में हम भारत से पेट्रोल भेजते हैं, हम भारत से डीजल भेजते हैं, मोदी उस बिचौलिया को हटाओ। ट्विटर ने पूरे लद्दाख को चीन का हिस्सा बताया, और उस डोनाल्ड ट्रंप को जिसके लिए नरेंद्र मोदी ने 22 सितंबर 2019 को हाउडी मोदी कार्यक्रम किया था, जिसमें 1,40,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ था, ये संसार का सबसे बड़ा इवेंट कराया गया था। तो आपको ये समझना चाहिए कि भारत की एक महिला पीड़िता अपने पति की आत्महत्या कराने वाले अपराधियों को जेल भिजवाना चाहती है। अभी आपको मालूम है कि अर्णब गोस्वामी जो रिपब्लिक टीवी का मुखिया है, उसकी गिरफ्तारी को लेकर के, गिरफ्तारी के बाद उस पर एक आर्किटेक्ट है अर्णव नायक उनका नाम है, उनकी आत्महत्या का कारण यह था कि लगभग 83 लाख रुपए अर्णब गोस्वामी ने उनका पेमेंट नहीं किया था, 5,40,00,000 रुपए 3 लोगों पर उनका बकाया था। 5 मई 2018 को उस आर्किटेक्ट ने, नायक और नायक की मां ने भी, कुदुम नायक ने आत्महत्या कर दी, और उसके बाद ये मामला चलता रहा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के बाद ये उसके बाकायदा, जिसको कहते हैं कि अंत के समय में आदमी अपने आत्महत्या के जो कारण लिखता है, उसमें अर्णब गोस्वामी का नाम प्रमुखता के साथ, क्योंकि इसके साथ में बहुत बड़ी ताकत है, वो आप हम सब लोग देखते हैं। अदालती आदेश के बाद अक्षता नायक, जो उनकी पत्नी है पीड़िता की, जिसके आत्महत्या करने वाले व्यक्ति की, उसने कोर्ट पे दस्तक दी, और कोर्ट में दस्तक देने के बाद आपको बता दूं कि उसके बाद जाकर के मई में यह मामला रीओपन हुआ है। तो आपको यह समझना चाहिए कि भारत की एक महिला पीड़िता अपने पति की आत्महत्या कराने वाले अपराधियों को जेल भिजवाना चाहती है, वो अपनी सास की आत्महत्या कराने वालों को जेल भिजवाना चाहती है, और हमारे देश की पूरी भाजपा सरकार और भारतीय जनता पार्टी, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा से लेकर के गृह मंत्री से लेकर के और तमाम इनके राज्यों के मुख्यमंत्री तक उस अपराधी के साथ खड़े हैं, जिसके कारण आर्किटेक्ट अन्वय नायक और उसकी माँ कुदुम नायक ने आत्महत्या की। तो हमको सोचना पड़ेगा कि सरकार की भूमिका क्या है। ये तो मैं बात कर रहा हूँ जो अभी पूरा बिलाव चल रहा है भाजपा के उसमें। और दूसरी महत्वपूर्ण बात आज आपको मालूम, मैं बताना चाहता हूँ कि जो जूनियर ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप का बेटा, उसने बाकायदा अपने ट्विटर पर एक नक्शा जो जाहिर किया, उस नक्शे में भारत के जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताया। और हमारे देश में आरएसएस के जुड़े हुए लोग, संघ परिवार मोहन भागवत के इशारे पर देश भर में जगह जगह हवन करेंगे। किसको जिताने के लिए? ट्रंप को। उस डोनाल्ड ट्रंप को, जिसके लिए नरेंद्र मोदी ने 22 सितंबर 2019 को हाउडी मोदी कार्यक्रम किया था, जिसमें 1,40,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ था, ये संसार का सबसे बड़ा इवेंट कराया गया था। और फिर दूसरा कार्यक्रम हुआ था, वो आपको पता होगा, अहमदाबाद गुजरात में, जब कोरोना भारत में प्रवेश कर चुका था 30 जनवरी को, तो 24 फरवरी को नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम किया गया था, उस पे 125 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि भारत की सरकार की निष्ठा किसके प्रति है। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि देश की आजादी के जंग में गोरों की मुखबिरी करने वाली संघ परिवार पर 2001 में 26 जनवरी को संघ मुख्यालय नागपुर में 3 युवाओं ने तिरंगा झंडा फहराया था। तिरंगा झंडा हमारे देश का शान है, सब उस हमारे देश का सम्मान है, देश का स्वाभिमान है, उसके लिए मर मिटते हैं हमारे देश के नागरिक। और संघ में मोहन भागवत जिस संघ के संचालक हैं, उस संघ परिवार ने उन 3 लड़कों को जेल करवाई, और 2013 में जाकर के नागपुर की अदालत ने अगस्त 2013 में उन युवाओं को बरी किया। ये मैं कहना चाहता हूँ कि तिरंगा के प्रति इनकी कितनी नफरत है। हमारे देश की बेटी, वो जो टेनिस की खिलाड़ी है, देश भर की, वो नायक की बेटी है, और अक्षता नायक ने बिल्कुल उसको, अर्णब गोस्वामी ने कहा कि हम आपकी बेटी का भविष्य चौपट कर देंगे। आप समझ लीजिएगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। मैं आपके माध्यम से देश के करोड़ों करोड़ लोग जो सुन रहे हैं, उन सबों से मैं आग्रह करता हूँ, क्या हमको अक्षता नायक को इंसाफ दिलाने के लिए उसकी पति की हत्या कर आत्महत्या करने के लिए विवश करने वाले अर्णब गोस्वामी, हमें उसके सास की आत्महत्या करने, जो कुदुम नायक की आत्महत्या कराने वाले अपराधी अर्णब गोस्वामी के खिलाफ
और उस पीड़ित परिवार के साथ क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए? वो जो बेटी है जो इंसाफ की मांग कर रही है कि उसका पिता और उसकी दादी को आत्महत्या के लिए विवश करने वालों को सजा मिलनी चाहिए, क्यों नहीं सजा मिलनी चाहिए? क्या इसलिए सजा नहीं मिलनी चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी का चैनल चलाता है? या इसलिए सजा नहीं मिलनी चाहिए कि हमारे देश में झूठ और नफरत फैलाता है? या इसलिए सजा नहीं मिलनी चाहिए कि वो जब चाहती है भाजपा उस तरीके से भाजपा का भोपू बनकर के टीवी में प्रचार प्रसार करता है? मैं ये बात इसलिए भी कहना चाहता हूँ, हमारे देश के नागरिकों में आपसे अपील करना चाहता हूँ, न केवल तिरंगा का 2001 में तिरंगा फैलाने वालों पर मुकदमा दर्ज कराने वाले, न केवल अन्वय नायक का जो बकाया रकम अर्णब गोस्वामी और बाकी लोगों पर थी जिसके कारण से आत्महत्या की, अर्णब गोस्वामी के साथ खड़ी भाजपा, और तीसरी महत्वपूर्ण बात हमारे देश का जम्मू कश्मीर, इनकी राष्ट्रीयता पर मैं बात कर रहा हूँ, जम्मू और कश्मीर को 4 तारीख को ट्रंप का जूनियर ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया, उस डोनाल्ड ट्रंप के लिए पूरे भारत में हवन करा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में चला जाए इनको गम नहीं है, तिरंगा रौंदा जाए कश्मीर के अंदर इन्हें गम नहीं है, और हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर के टेनिस खिलाड़ी के पिता और दादी का कोई इंसाफ, उसके हत्यारों को इंसाफ न मिले, अर्णब गोस्वामी बचना चाहिए। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, कानूनी तौर पर संविधान का भी अपमान है कि हमारे देश का गृह मंत्री, हमारे देश का रक्षा मंत्री, और कौन लोग हैं ये? आपको मालूम होगा गलवान घाटी में 15 जून को शहीदों की शहादत पे इनका मुंह नहीं खुला था। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, ये संयोग है कि प्रयोग है। आपने देखा कि 4 अगस्त को जूनियर, 4 नवंबर को जूनियर ट्रंप ने जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताया। आपको मालूम है कि नहीं, अभी हाल में ही ट्विटर ने पूरे लद्दाख को चीन का हिस्सा बताया। और मैं एक कहना चाहता हूँ, ये संयोग की प्रयोग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था वो जमीन हमारी नहीं जिस पर जवानों का कब्जा है, चीनी जवानों का। हर ट्रंप का भी बेटा कहता है जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, हर ट्विटर भी कह देता है कि लद्दाख चीन का हिस्सा है। इस क्रोनोलॉजी को भी मेरे देश के नागरिकों को समझना पड़ेगा। ये बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि अब बिहार इलेक्शन में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जो जय श्री राम नहीं कहेगा उसे वोट मत दो, जो वंदे मातरम नहीं कहेगा उसे वोट मत दो, हर जो मंदिर की बात नहीं करेगा उसे वोट मत दो। ये दुख और अफसोस की बात है। मैं बिहार और देश के मतदाताओं से आग्रह करना चाहता हूँ, जो हमारे देश का जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के नक्शे में शामिल करा चुके हैं, ये उसके वफादार हैं, उस ट्रंप को जिताने की बात कर रहे हैं। जो हमारे देश में एक आर्किटेक्ट पिछड़ी जाति का है अन्वय नायक और उसकी माँ कुदुम नायक के आत्महत्या करने के लिए विवश करने वाले ये उस पत्रकार के साथ है, अर्णब गोस्वामी के साथ में, जिसने उनको आत्महत्या के लिए विवश किया। ये उस परिवार से जुड़े हुए संघ परिवार के लोग हैं जिनके मुख्यालय पर 2001 में 26 जनवरी को तिरंगा फहराने वालों को इन्होंने जेल भिजवाया। मैं भारत के और खास करके मैं बिहार के मतदाता और अगले जो चुनाव आने वाले उन सबों से आग्रह करता हूँ कि आप बताइए कि विश्व के सबसे बड़े इवेंट्स होडी मोदी का आयोजन करने वाले, नमस्ते ट्रंप कोरोना काल के बीच में हमारे देश के अंदर 125 करोड़ रुपए उसमें खर्च हुआ, 1,40,000 करोड़ का खर्चा तब हुआ। अब मैं आपके साथ इसलिए बात करने के आया हूँ कि ये संयोग है कि प्रयोग, हमारे देश में 19 जून को प्रधानमंत्री ने कहा कि जहाँ तक चीन बैठा हुआ है वो जमीन हमारी नहीं है, और 5 अगस्त को हमारे देश का जम्मू कश्मीर से लेकर के और गुजरात का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की सरकार ने अपने नक्शे में दिखाया, और ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से वापस लाएंगे। संयोग है कि प्रयोग, राष्ट्रपति का चुनाव के करा जो लड़ रहा है अगर वो जीत जाता तो निश्चित तौर पर ट्रंप जो है जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान को सौंपने वाला था। पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर को पाकिस्तान ने अलग राज्य का दर्जा दे दिया है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा, 70 साल में पहली बार हुआ कि किसी विदेशी राजनयिक ने जम्मू और कश्मीर का नक्शा भारत से काट करके पाकिस्तान में मिलाया हो। 70 साल में पहली बार हुआ कि पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर को पाकिस्तान ने अलग राज्य दिया हो, और 70 साल में पहली बार हुआ कि किसी विदेशी मीडिया ने लद्दाख को चीन का हिस्सा बताया हो, और 70 साल में पहली बार हुआ कि जहां तक चीन ने कब्जा कर रखा है उसको भारत के प्रधानमंत्री ने देश के साथ गद्दारी और चीन के साथ वफादारी करते हुए उस हिस्से को अपना हिस्सा मानने से मना किया हो। और मैं 70 साल में पहली बार हुआ कि भारत का प्रधानमंत्री विदेश में जाकर 1,40,000 करोड़ रुपए का हाउडी मोदी कार्यक्रम करके
ट्रंप सरकार की बात करता हूं जो चुनाव हार रहा है, और 70 साल में पहली बार हुआ किसी देश में कि कोरोना महामारी की चपेट में भारत जा रहा था, कोरोना फैल रहा था भारत में, और भारत में नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम कराया गया था। ये बात हमको याद रखनी चाहिए। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये संयोग है कि प्रयोग, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बेटा जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानता, पाकिस्तान का हिस्सा मानता है, और अमेरिका का ही ट्विटर जो सोशल मीडिया है वो लद्दाख को भारत का हिस्सा नहीं मानता, चीन का हिस्सा बताता है। ये बात मैं आपके साथ करने के लिए आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग, और यही नहीं, जो फिर मैं कहना चाहता हूँ कि अर्णब गोस्वामी को जिसको 10 साल की सजा होनी है, आज पूरी भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की केंद्र सरकार और ये इनके राज्यों के मुख्यमंत्री उसके साथ खड़े हैं। लेकिन मैं इन देश के गद्दारों को चुनौती देता हूँ, तुम जितना मर्जी उस अपराधी के साथ खड़े रहो, लेकिन हमारे देश, हम भारत के लोग हमारे देश के संविधान के साथ हैं। हम अक्षता नायक और उस बेटी के साथ में है जो अपने पिता और दादी को इंसाफ दिलाने के लिए, अर्णब गोस्वामी को सजा दिलाने के लिए मैदान में डटी हुई है। और अक्षता जी, आप अकेली नहीं हो, पूरा देश आपके साथ है। और मैं बिहार के मतदाताओं से विशेष तौर पर अपील और आग्रह करना चाहता हूँ कि ये सब आपको सोचना और समझना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जय श्री राम के नाम पर वोट दो, वंदे मातरम के नाम पर वोट दो। मैं आपसे एक अपील करता हूं बिहार के मतदाताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट मांगना है तो वोट मांगते कि मैंने किसान बिल में वोट मांगते कि मैंने नोटबंदी किया। नोटबंदी में भी आपने देखा हमारे देश के गरीब लोग कतार में लगे हुए थे, अमीर लोग कोई भी सड़क पर पैसा, तो काला धन क्या हमारे देश के गरीबों के पास था? हमारे देश के अंदर GST तय किया गया तो उद्योग बंद हुए छोटे लोगों के, हमारे देश के अंदर कोरोना के नाम पर रेल और बस सेवा और रोजगार छीना तो पैदल चलते चलते भूख से मरने वाले संख्या भी जो थी वो हमारे देश में करोड़ों करोड़ वही लोग थे जो मजदूर थे। और हमारे देश के अंदर मैं आप सब लोगों से एक और अपील करना चाहता हूँ, हमारे देश में प्रधानमंत्री कह रहे हमने बिचौलियों को हटा दिया, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देता हूँ, नेपाल में हम भारत से पेट्रोल भेजते हैं, हम भारत से डीजल भेजते हैं।